हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा बुधानी और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो, जहां हम आपको बताते हैं सिनेमा से जुड़ी बड़ी और जरूरी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इंटरनेशनल सिनेमा से। 12 दिसंबर की रात इंडिया में स्पाइडरमैन नो वे होम की एडवांस टिकट बुकिंग शुरू हो गई। पीवीआर पर सिर्फ शुरुआती 3 घंटों में 50,000 से ज्यादा टिकट बुक की गई। पिंकविला के रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 37,000 सिर्फ ओपनिंग डे की है और बाकी ओपनिंग वीकेंड की। स्पाइडरमैन नो वे होम इंडिया में 16 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का क्राउन इंडिया लौट आया है। साल 2000 की मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड रही लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ने नई मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु को ट्वीट कर बधाई दी। हरनाज से पहले सिर्फ सुष्मिता सेन और लारा दत्ता वो इंडियन नाम है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया था। फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बन रही विकी कौशल स्टारर सैम बहादुर की कास्ट ज्वाइन की है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया, सानिया फिल्म में सैम मानेकशॉ की पत्नी सिल्लू का किरदार निभाएंगी, वहीं फातिमा इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी। तापसी पन्नू, ताहिर राज भसीन और श्रेया धनवंतरी स्टारर लूप लपेटा सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। नेटफ्लिक्स ने खुद एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज कर ये जानकारी दी। तापसी की ये फिल्म 1998 में आई जर्मन फिल्म रन लोला रन का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के टप्पू यानी राज अनादगत शो छोड़ने जा रहे हैं। ईटी टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर को सेट पर उनका आखिरी दिन होगा। बताया जा रहा है शो की बबीता यानी मुनमुन दत्ता की कंट्रोवर्सी के बाद कास्ट से एक अंडरटेकिंग साइन करवाया गया कि वो कोई भी जाति सूचक कमेंट नहीं करेंगे। राज वो इकलौते मेंबर थे जिन्होंने अंडरटेकिंग साइन नहीं किया। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक असद मोदी की टीम ने राज के यूट्यूब वीडियो में कांट छांट करवाई थी। वीडियो में राज टप्पू को इनेक्ट करते दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि कोई भी एक्टर बिना मेकर्स की परमिशन के कैरेक्टर्स को इनेक्ट नहीं कर सकता। प्रियंका चोपड़ा ने Amazon प्राइम वीडियो के शो सिटाडेल की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। ये जानकारी खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर दी। सिटाडेल एक स्पाई थ्रिलर है जहां प्रियंका के अलावा रिचर्ड मैडन और एश्ले कमिंग्स जैसे स्टार्स भी कास्ट का हिस्सा हैं। एवेंजर्स एंड गेम वाले रूसो ब्रदर्स शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। मुंबई पुलिस ने 25 वर्षीय एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। उन पर अपनी हाउस हेल्प से मारपीट करने के आरोप हैं। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस अपनी हाउस हेल्प को सैंडल से मारती थी। तमिल एक्टर विजय ने अपनी अपकमिंग फिल्म बीस्ट की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म के प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने विजय के सेट पर लास्ट दिन की फोटो शेयर की जहां वो डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार को गले लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विजय ने अपने आखिरी शेड्यूल में एक गाने की शूटिंग की है। लंबे समय से डिले होती आ रही ब्रह्मास्त्र को लेकर अब अपडेट आया है। 15 दिसंबर को मेकर्स दिल्ली में एक बड़ा फैन इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहां फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया जाएगा। फैंस समेत फिल्म की कास्ट और क्रू भी इस इवेंट में मौजूद होंगी। 3 दिसंबर को अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास रिलीज हुई थी, जिस पर मीडिया पर्सनालिटी प्रीतीश नंदी ने ट्वीट किया था कि भद्दी विग के बावजूद अभिषेक बच्चन को देखने में मजा आता है। इस पर फिल्म के राइटर सुजॉय घोष ने मजाकिया ढंग से जवाब दिया, क्या बोल रहे हो, इतना सुंदर टकला दिख रहा है। जलीकट्टू वाले लिजो जोश पेलिश्री की नई फिल्म चुरुली कंट्रोवर्सी में फंस गई है। फिल्म में गालियों के यूज पर एक वकील ने केरल हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। वकील के अनुसार मेकर्स ने अटेंशन खींचने के लिए जानबूझकर ऐसी भाषा यूज की है। अब केरल हाई कोर्ट ने ये शिकायत मंजूर कर ली है। धनुष अपनी नई फिल्म अतरंगी दे के प्रमोशन में बिजी है। ऐसे ही एक इवेंट के दौरान उनसे एक पेपराजी ने अजीब सी रिक्वेस्ट कर दी कि सर कुछ साउथ में बोलिए ना। इस पर धनुष थोड़ा कंफ्यूज हुए और जवाब में सिर्फ वणक्कम कहा। धनुष के रिएक्शन पर उनकी तारीफ हो रही है, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स पेपराजी को ट्रोल कर रहे हैं। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन से सगाई कर ली है। 12 दिसंबर को मुंबई में दोनों ने अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों मुंबई में ही शादी करने वाले हैं। उनकी एंगेजमेंट पार्टी और मेहंदी सेरेमनी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहे हैं। टॉम हॉलैंड अपनी अपकमिंग फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने अपनी हाइट पर बात की कि कैसे उन्हें अपनी लीडिंग लेडी जेंडिया से छोटा होने पर अजीब बातें सुननी पड़ती हैं, कि किसिंग सीन में कोई दिक्कत तो नहीं आती वगैरह वगैरह। टॉम ने बताया कि जेंडिया से सिर्फ वो 2 इंच छोटे हैं। सलमान खान की इवेंट द बैंक के दौरान एक फैन आयुष शर्मा को देखकर बेहोश हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे रिपोर्ट के मुताबिक उस फैन को फिर बैकस्टेज ले जाया गया। बैकस्टेज जाते ही उसने स्टेज की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने तुरंत उसे स्टेज से हटाया। डेविड वार्नर ने तेलुगु फिल्म पुष्पा से एक वीडियो रिक्रिएट कर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तक जा पहुंचा। तेलुगु फिल्मों के डायरेक्टर वेंकी कुडुमुला ने पुष्पा प्री रिलीज इवेंट पर डेविड वार्नर का शुक्रिया अदा किया।
कहा कि वो दुनिया भर में तेलुगु फिल्मों को प्रमोट कर रहे हैं। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी को हर तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर लिखा कि फिल्म देखकर वो रोए और हंसे भी। राइटर गजल धालीवाल ने भी फिल्म को एक ऑनेस्ट एफर्ट की तरह देखा जो एक मुश्किल कहानी बताने की कोशिश करती है। विजय से जुड़ी एक और न्यूज है। विजय 2021 की सबसे ज्यादा ट्वीट किए गए साउथ इंडियन एक्टर हैं। उसके बाद लिस्ट में कल्याण, महेश बाबू, सूर्या और जूनियर एनटीआर जैसे एक्टर्स का नाम है। जॉन अब्राहिम के कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, लेकिन उन सभी में से वो सबसे पहले शाहरुख की पठान पर काम शुरू करेंगे। जॉन फिल्म में विलन का रोल निभाएंगे। पठान के बाद वो मलयालम फिल्म अयप्पनम कोशिकम के हिंदी रीमेक पर काम शुरू करेंगे। आज के सिनेमा शो में इतना ही। आप सबसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुक्रिया।